फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और सुबह हो गया है, हमारा चाय भी हो गया है और आप सबका भी हो ही गया होगा। आप सब बहुत ही अच्छे होंगे ये उम्मीद करती हूँ। और संडे है आज और सुबह का नाश्ता का तैयारी। पूछा मैंने क्या खाएंगे तो हस्बैंड की पहली फरमाइश रोज रोटी पराठा खाते हैं, बट स्टिल आज उनको आलू की भुजिया और पराठा खाना है। तो चलिए भिड़ गए हैं। तो ये आलू पतले पतले काटे मैंने और लाल वो जो गोटा मिर्च होता है ना उससे छौंका है मैंने, ये सरसों एंड लाल गोटा मिर्च। और एक चाय हो गई है मेरी, मुझे और एक चाय चाहिए। तो ये दूध दूध वाला बर्तन था, मैंने उसी में शक्कर और चाय पत्ती डाल दिया है और वो बन रहा है। और फटाफट पराठे बनाऊंगी, ये थोड़ा हो जाएगा तब और गर्मा गर्म सबको नाश्ता खिलाते हैं। ये आफ्टरनून के लिए छोले मैंने बॉईल करने के लिए डाल दिया है। और आप रेड वाटर देख रहे होंगे, कौन से छोले बना रहे हैं हम लोग? पंजाबी छोले। ओके, तो हमने चाय पत्ती, एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है कि एक पतले कपड़े में चाय पत्ती और कुछ गरम मसाले बांध के डाल देते हैं। मैंने खड़े गरम मसाले डाले हैं इसमें और चाय पत्ती का पानी डाला है। लेट्स सी, ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कैसे बॉईल होते हैं। चले, और तैयारी शुरू कर ली हमने उसी कढ़ाई जिसमें भुजिया बनाया था उसी में। और तेज पत्ता और कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं। और अब हम इसमें एक साथ, क्योंकि गड़बड़ गड़बड़ रहता है, तो हमने ये पेस्ट, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, अदरक लहसुन, हाँ उसकी पेस्ट बना ली है। और क्योंकि ये गर्म हो गया तो हम इसमें डाल देते हैं इसको फ्राई होने के लिए। ये फ्राई होगा, उसके बाद फिर हम पाउडर मसाले डालेंगे और छोले डालेंगे। बस छोले का बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं है। सो आवर छोले इज़ रेडी। सी, एंड साथ साथ में चाय इज़ आल्सो रेडी। सी, आफ्टरनून का टाइम हो रहा है 12:51 अगर मैं आपको सही सही बताऊँ तो, यस। और अभी मैं नहा के आई हूँ और ये बेटी पूरा चेंज कर रही है, अंशु। संडे नॉर्मली चेंज का दिन होता है तो ड्राइंग रूम बेडरूम्स, तो ड्राइंग रूम से इसने शुरुआत कर दी है। तो मैंने सोचा चलो, इट पेरेंट्स सच में खुश हो जाते हैं अगर बच्चे छोटा छोटा कुछ कुछ हेल्प कर देते हैं। तो ये करने लग गई है, उसके बाद वो जाएगी नहाने। तो अभी ये दीवान एंड देन सोफ़ा कवर्स और कपड़े भी काफ़ी सारे धुलने हैं, मशीन में पड़े हुए हैं। मैंने सोचा सब नहा लें उसके बाद करते हैं। तो मैसेज फॉर ऑल चिल्ड्रेन, कीप हेल्पिंग योर पेरेंट्स। आई नो आप लोग कर रहे होंगे, सो दिस मेक्स योर पेरेंट्स हैप्पी। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती, छोटा छोटा हाथ बटा ले उतना बहुत है। तो कर रहे सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इट्स इवनिंग टाइम और संडे है जैसा कि मैंने बोला था। तो दोपहर का तो मैंने बस छोले ही शेयर किया आपके साथ। और अब हम लोग क्या बनाने वाले हैं अंशु? जलेबी है, आलू बंडे, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग, पिछले लॉकडाउन में बनाया था हम लोगों ने एंड उसके बाद तो फिर आज हम लोग सब बैठे बैठे अभी शाम को जब चाय पी रहे थे तो हमने प्लान किया। फिर अंशु ने बोला कि मामा मैं हेल्प करती हूँ, तो हम लोग आ गए हैं और आलू बॉयल कर दिया है। और आज जितना हो सकेगा स्टेप बाई स्टेप हम दिखाएंगे। सो चलिए हमारे साथ आलू भंडी और जलेबी खा। और बॉईल करने के लिए रख दिया है। चटनी के लिए हमने टमाटर और हरी धनिया, पुदीना, लहसुन, मिर्ची एंड अदरक, वो पीसने के लिए रखा हुआ है। ये जलेबी के लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है और दही लिया है, खट्टी दही है। बेसन निकाल के रखा हुआ है वो फेंट के रखने के लिए, धनिया पत्ती काट के रखा हुआ है। ये मसाले बाकी मैं जैसे ऐसे करूँगी आपको बताऊँगी। ये जलेबी के लिए मैंने रस तैयार करने के लिए बिठा दिया है विथ हाउ मच, 2 कटोरीज ऑफ शुगर एंड 1 कटोरी ऑफ पानी। तो इसको बहुत ऐसे चाशनी टाइप नहीं बनाना है, बट स्टिल
और ये अब मैं आलू मसाला बना रही हूँ आलू बंडा के लिए। तो मैं पहले ऐसा कोई लॉजिक नहीं फॉलो करती बट स्टिल हाँ ठीक है जैसे बनाते हैं। तो लहसुन मैंने छोड़े हुए थे कच्चे किए थे वो डाल दिया और उसके बाद ये कर लेंगे। उसके बाद धनिया, ये गोटा धनिया दैट इज़ मस्ट फॉर आलू बंडे। तो फिर मैं इसको भी थोड़ा डाल लेती हूँ आलू बंडे में, ये होना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैं मसाले डालती हूँ देखो थोड़ा मूंगफली डालना भूल गया, उसको मेरे को सेक के डालना होगा लगता है। हाँ नहीं इसमें डालने से हो जाएगा, तेल तो है ना, बट स्टिल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ये जलेगा ना बेटो? नहीं जलेगा, तवा में कर लेते हैं। ये मटर डाल देती हूँ मैं, नहीं जलेगा बट स्टिल ट्राई टू टेक द रिस्क। माइक्रोवेव में रोस्ट कर ले। हाँ माइक्रोवेव से रोस्ट कर। उसके बाद आप तेल भी अच्छा गर्म हो गया। शुद्ध जलेबी, जलेबी को अपने रस में डाला हुआ है। हाँ और बना रहे हैं तुम्हारी चटनी हो गई है। हाँ चटनी आलू बंडे और ये जलेबी जिंदा जलेबी बन रही है। फिर से सेकंड आलू बंडे, ये जलेबी। यहाँ पर ये IPL चल रहा है पुराना। पापा आपको कैसा लगा आज का आशु? नानी माँ आपको कैसा लगा? So here this is warm water with salt, और ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। चल रहा है दो तीन दिन से थोड़े से बस। तो चलिए stay healthy, stay safe, take care. Thank you for watching. Thank you so much. Stay healthy. So friends, ये हमारा पूरा खाना पीना हो गया है। So just जिसको TV देखना हो TV देख रहे हैं, कुछ मोबाइल चला रहे हैं और newspapers और कुछ दो तीन दिनों से मेरे पैर में थोड़ी दर्द थी, तो मैं just अपने पैरों को गर्म पानी में, जो अंशु ने गर्म पानी करके दिया है तो उसमें just डाल के थोड़ा सा अच्छा लगेगा, सो वो बस कर रही हूँ। और सोचा कि आपको गुड नाइट बोल दें और ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द ब्लॉग और आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ब्लॉग देखते रहिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।